गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब इन्फेक्शन जब पेल्विक पेरिटोनियम तक फैल जाता है तो इसे पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शन जब महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के ऊपरी हिस्से को अफेक्टेड कर देता है और वहाँ पर जो है यूट्रस, ओबरी, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइनल एरिया जो होते हैं या सर्विक्स जो होता है अफेक्टेड हो जाता है, वहाँ तक इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके कुछ लक्षण आते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे पेन होना, नीचे पेट में दर्द होना मतलब पेन इन लोअर एब्डोमन। नेक्स्ट इज डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसुरेशन होना, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ महीना होना, ठीक है। और उसके साथ साथ हैवी ब्लीडिंग मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी होती है, और उसके साथ साथ जो है यूरिन में भी बर्निंग पेन होता है, और हैवी पीरियड्स भी हो सकते हैं, पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं, डिस्मेनोरिया मैंने बोला, येलो ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। उसके साथ साथ महिलाओं में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जैसे एक्ने होना, फेस पे दाने हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना। जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो फिर पेशेंट को क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, पेल्विक पेन हो जाते हैं, और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी हो सकती है। अगर महिला रिप्रोडक्टिव उसमें चल रही है, पीरियड में चल रही है, तो उसको बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर 103, 104 या 102 जो है फीवर रहेगा, और उसके साथ जब जो है डिप्रेसिव कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि महिला जब इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस कंडीशन हो जाएगी बॉडी में तो फिर मेंटली जो है वो भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, डिप्रेसिव कंडीशन महिला के लिए आ जाती है। ये इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है? एक्चुअली क्या होता है कि महिलाओं में जब बार बार यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई होता है, बार बार यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, और उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसकी वजह से फिर ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ फैलने लग जाता है, और फिर ये हमारी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, इन सब चीज़ों को, वेजाइनल एरिया, यूट्रस, सबको इफेक्टेड कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, और ये फिर पीआईडी का रूप ले लेता है, ठीक है। इसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती है। वैसे तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, एसटीडी है। ये अक्सर जो है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन या गोनोरिया के कारण होता है, ठीक है। बैक्टीरियल, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मगर ज़्यादातर क्लेमाइडिया और गोनोरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब आईयूडी का यूज़ करती हैं महिलाएं, आईयूडी लगाई जाती है, तो उसमें शुरुआती दौर पे जो है महिलाओं को कई बार ये इन्फेक्शन हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट अगर लेती हैं तो वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं हमारे अंदर जाकर क्या करती है, इसकी थिकनेस कर देती हैं, ठीक है, डिस्चार्जेस में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये पीआईडी इन्फेक्शन को कम भी कर देती हैं, तो ये जो है बढ़ाती नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पीआईडी इन्फेक्शन को बढ़ा तो नहीं देंगी, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, आईयूडी जब यूज़ किया जाता है तो उसके कुछ टाइम तक जो है कई महिलाओं को पीआईडी की दिक्कत हो जाती है, पीआईडी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। मगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कभी कभी क्या होता है, पीआईडी अगर महिलाओं को है तो उस चीज़ को कभी कभी कम कर देती है, ठीक है। अब इसमें क्या आप बचाव कैसे करेंगे? बचाओ मतलब आपको क्या करना है कि एक तो आईयूडी अगर यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रा कंसल्ट कर लें। अगर आपको आईयूडी लगाने के बाद कोई दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो तुरंत जिनसे लगवाइए आप उनसे तुरंत मिलें डॉक्टर से, और कंसल्ट करें, और उस चीज़ का सोल्यूशन जरूर पूछें। ये नहीं कि उस चीज़ को आप बिल्कुल अपने अंदर ही रखे रहें या फिर कोई डिस्कशन ही ना करें डॉक्टर से, तो ये दिक्कतें आपको बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अब ये है कि जो जिन महिलाओं के या जिन लोगों के जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, तो उन लोगों को भी इन्फेक्शन होता है, तो इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर पीआईडी इन्फेक्शन से बचना है आपको तो, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या आप टेस्ट करवाएंगे, जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखें महिलाएं, ठीक है। इसके बाद आप क्या क्या टेस्ट करा सकती हैं, ब्लड टेस्ट करा सकती हैं, यूरिन टेस्ट करा सकती हैं, ठीक है। वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें पेल्विक यूएसजी होगा, ठीक है, इसमें मेटीरियल बायोप्सी की जाती है, लेप्रोस्कोपी होती है, ये सारे इसमें टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। अब आपको अगर आप पीआईडी का सही से अगर आप नहीं लेती हैं ट्रीटमेंट, तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइज जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस में आने के लिए अपना रास्ता नहीं बना पाता है,
ठीक है, तो उससे जो है काफी ब्लीडिंग हो सकती है डिलीवरी के टाइम पर, रिस्क रहता है, सर्जरी करनी पड़ती है उसमें, ठीक है, जब मतलब इसमें बेबी जो है सर्जिकली होगा, ठीक है। तो फिर ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आप पीआईडी का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। दूसरा, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है, बांझपन हो सकता है, क्रोनिक पेल्विक पेन्स हो सकते हैं, इसके अलावा ट्यूबो ओवेरियन ओवेरियन एब्सेस हो सकता है, ठीक है। ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस क्या होता है कि इसमें पस कलेक्शन हो जाता है, जो कि जो है रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है वहाँ पर महिलाओं की हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और उसके अलावा जो है फैलोपियन ट्यूब ओवरी यूट्रस में भी ये जो है पस फॉर्मेशन हो जाता है और एब्सेस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसका फिर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पीआईडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। ज़्यादातर क्या होता है, जो 25 साल की लड़कियां होती हैं और वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, तो उनमें भी पीआईडी का जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको प्रिकॉशन लेना है, इनसे आपको प्रिवेंट करना है अपने आप को, अगर आपको पीआईडी से बचना है तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको पीआईडी है उनके साथ यही दिक्कत है, पीआईडी का मतलब मैंने ये भी बताया कि जो लोग जो महिलाएँ इन्फेक्शन जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो उसकी वजह से भी पीआईडी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन फिर ऊपर के साइड फैलने लग जाता है, क्योंकि आपने पहले से ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया नहीं है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके इतने सारे कारण हैं, तो वो तो आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको केस हिस्ट्री लेगा, तो जो भी कारण होगा उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा, तो आप क्योर हो जाएंगे, मगर आपको क्या करना है, समय पर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। अब मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगी। पीआईडी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेस्ट रहती है, फर्स्ट मेडिसिन इज सीपिया, ठीक है। अगर जो है लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है महिला के, उसके साथ साथ जो है वियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, मतलब प्रोमिनेंट वियरिंग डाउन सेंसेशन होगी, मतलब महिला को ऐसा लगेगा कि नीचे का जो बच्चेदानी है वो उसकी बाहर के साइड निकल रही है, सीपिया का ये लक्षण होता है, ठीक है। तो अगर ये लक्षण पेशेंट में आ रहा है तो वहाँ पे सीपिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है पीआईडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है मर्क्सोल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पीआईडी के लिए। इसमें क्या होता है कि ईचिंग होगी, डिस्चार्जेस होंगे, वेजाइनल पेन होगा, एक्रीट प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा इसमें, ठीक है, प्रूरेंट येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। 2 मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए मैडम, 2 मिनट। तो इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पर मर्क्सोल जो है पीआईडी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। सवाइना जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है सवाइना 200 जो है, ब्लीडिंग अगर हो रही है और ब्लीडिंग जो है ब्राइट रेड कलर की है, ठीक है, और उसके साथ साथ डार्क क्लॉट्स आ रहे हैं बाहर, ठीक है, ब्लीडिंग के साथ, उसके साथ साथ ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर है, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है उस ब्लीडिंग में, बदबू बहुत होती है, क्लॉट्स आते हैं, और उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है जब वो मोशन मतलब जब चलेगा तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे सवाइना जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद है आपकी मेडोराइनम, मेडोराइनम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मेडोराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके पीआईडी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि एक्सोक्रिएटिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा, पेल्विक एरिया जो होगा उसके आसपास ओवेरियन पेन और ये बहुत ज़्यादा दर्द होगा पेशेंट को, उसके साथ साथ जो है प्रेशर फील होगा उसको कि उसे लगेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है नीचे के साइड, तो इस तरीके से अगर सिम्टम्स होते हैं तो मेडोराइनम 200 इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। इसके अलावा क्रियोजोटम जो है पीआईडी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये जो जिनको डिस्पेरोनिया की दिक्कत होती है महिलाओं को उनमें ये है क्रियोजोटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को जो है ऑफेंसिव ईचिंग होगी, कोरोसिव लिकोरिया होगा, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की दिक्कत हो जाती है, तो क्रियोजोट की जो महिला होगी उसका कहेगा कि इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है कि उसको लगेगा कि पानी जैसा बह रहा है नीचे एड़ियों तक, इस तरीके से उसको फील होगा कि डॉक्टर साहब मेरे को इतना ज़्यादा सफ़ेद पानी होता है कि नीचे की तरफ बहता हुआ लगता है। तो अगर ये पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे क्रियोजोट 200 अगर देते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली उसको बहुत रिलीफ मिलेगा और पीआईडी क्योरेबल है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की इन्फेक्शन में महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम यूएसजी कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, अगर लगता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको ट्रीटमेंट के थ्रू हम जल्दी से जल्दी उसे ठीक करते हैं। तो आपको डरना घबराना नहीं है, बल्कि आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है उसका ट्रीटमेंट में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अगर मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी ले सकते हैं, मेरा ऑनलाइन सेशन चलता है फेसबुक पे, आप उससे भी मुझसे कोई सवाल हेल्थ से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, और कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है जिसपे आप कॉल के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।